एक बच्चा जो अभी माँ के पेट में ही है और अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसको भी कैंसर हो सकता है। कैंसर किसी को भी हो सकता है और ये मेजरली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ट्यूमर इतना बड़ा भी हो सकता है जो किसी इंसान के आधे से ज्यादा फेस को खा ही जाए। कैंसर होने के बाद आप जिंदा बच पाओगे या नहीं, ये हद से ज्यादा इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। हर साल 70,000 से ज्यादा लोग अपने देश में ब्लड कैंसर से खुद की जान गंवा बैठते हैं। कैंसर से होने वाली मौत इसलिए भी भयानक मानी जाती है क्योंकि आखिरी 7 दिनों में भी आप सब कुछ नोटिस कर पाते हो कि कैसे आपका शरीर धीरे धीरे सड़ के मर रहा है। ह्यूमैनिटी ने मेहनत की और पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हमने मेहनत की और स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया। हमने मेहनत की, आज पोलियो खत्म होने की कगार पर है। लेकिन हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके भी, सालों साल रिसर्च करके भी, दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट्स और बेस्ट साइंटिस्ट की मदद लेके भी एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और वो है टाइप्स ऑफ कैंसर अगेंस्ट कैंसर एज द कैंसर कैंसर डायग्नोसिस कैंसर न्यू कैंसर थेरेपीज कैंसर फ्रॉम कैंसर फॉर कैंसर। बट व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर? ये देखो, ये ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में मौजूद हर चीज, चाहे वो स्किन हो, बोन्स हो, मसल्स हो या फिर ब्रेन ही क्यों ना हो, हमारी बॉडी में सब कुछ सेल्स से ही बना हुआ होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल घर है। जैसे घर में किचन हो, वॉशरूम हो, लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, घर का सारा हिस्सा सब कुछ ईंट यानी कि ब्रिक्स से ही बना हुआ होता है। वैसे ही बॉडी में मोस्ट फंडामेंटल थिंग एक सेल है। अब दिक्कत ये है कि अपनी बॉडी में मौजूद सेल्स की एक लाइफ होती है और बॉडी की कंटिन्यूस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल्स को डिवाइड होकर अपनी ही और कॉपीज बनानी होती हैं। बायोलॉजी में इस प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। इसको ऐसे समझो जैसे आपकी बॉडी एक फुटबॉल टीम है। इस टीम में मौजूद हर एक प्लेयर एक सेल है। जब कुछ प्लेयर्स थक जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं तो गेम को कंटिन्यू रखने के लिए न्यू प्लेयर्स का अंदर आना जरूरी होता है। नए प्लेयर्स के बिना टीम अच्छे से खेल ही नहीं पाएगी। सिमिलरली समय समय पर आपकी बॉडी में नए सेल्स बनते रहना जरूरी है, वरना बॉडी सड़ जाएगी। और माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो दुनिया के सभी लोगों में होता है। इनफैक्ट जितनी देर आप ये वीडियो देखोगे उतनी सी देर में आपके शरीर में मोर देन 20 बिलियन सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी एक्टिव, इतनी अलाइव और इतनी बिजी प्लेस है कि हर सेकंड में 2.5 करोड़ सेल्स डिवाइड होते हैं। अब जब हमारी बॉडी में ये सेल्स ग्रोथ होती है तो उसके कुछ नियम होते हैं। नॉर्मल सेल्स के लिए ये रूल्स हैं कि सेल्स ग्रो करेंगे, डिवाइड होकर अपनी कॉपी बनाएंगे और फिर रुक जाएंगे, यानी ग्रो, डिवाइड एंड स्टॉप। लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से किसी के भी शरीर में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब ये नॉर्मल सेल्स अपने आप को डाउन समझने लगे और इस ग्रो, डिवाइड एंड स्टॉप के रूल को फॉलो करना बंद कर दें। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें सेल्स कंट्रोलेबल तरीके से ग्रो करने लग जाएं, उस कंडीशन को ही कैंसर बोला जाता है। नाउ आई एम श्योर कि कभी भी अगर आप न्यूज वगैरह में सुनोगे कि अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर हो गया है तो आप ये समझ पाओगे कि बॉडी में बायोलॉजिकल लेवल पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। और एक बात और, कैंसर दुनिया में किसी को भी हो सकता है। किसी को भी मतलब किसी को भी। इनफैक्ट एक बच्चा जो अभी माँ के पेट में ही है और अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसको भी कैंसर हो सकता है। ये कुछ वो लोग हैं इंडिया में जिनको आप जानते होंगे जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। राकेश रोशन को थ्रोट कैंसर, संजय दत्त को लंग कैंसर, युवराज सिंह को लंग कैंसर, किरण खेर को मल्टीपल मायलोमा, सोनाली बेंद्रे को मेटास्टेटिक कैंसर, मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर, पैरालंपिक एथलीट दीपा मलिक को स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर और आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप को ब्रेस्ट कैंसर। अदर देन दैट, ये वो लोग हैं जिनको आप जानते होंगे जो कैंसर से लड़े लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था, ऋषि कपूर को ब्लड कैंसर था, संजय दत्त की मां नरगिस दत्त को पेनक्रियाटिक कैंसर था, राजेश खन्ना को यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर था, विनोद खन्ना को ब्लैडर कैंसर था, अमरीश पुरी को ब्लड कैंसर था, मनोहर पारिकर जी को पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ था और फॉर्मर एंड 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीपी सिंह जी को ब्लड कैंसर हुआ था। एनीवेज, यूं तो कैंसर के काफी सारे सिम्टम्स हैं, बट मोस्टली दे आर कॉमन वंस। लेकिन एक ऐसा सिम्टम है जो इंसान के दिमाग में क्विकली डाउट क्रिएट करता है कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो गया, और वो सिम्टम है ट्यूमर। अगर आसान भाषा में बोलूं तो आपके शरीर में होने वाली गांठ। ट्यूमर बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे पास्ट में ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में पाया गया 1 मिलीमीटर का ट्यूमर जो आपको नेकेड आई से पता भी ना चले। और ट्यूमर इतना बड़ा भी हो सकता है जो किसी इंसान के आधे से ज्यादा फेस को खा ही जाए। लेकिन क्या शरीर में डिटेक्ट होने वाला हर ट्यूमर कैंसर ट्यूमर होता है? नो। ट्यूमर यानी कि गांठें दो टाइप्स की होती हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स जनरली हार्मलेस होते हैं और शरीर में एक जगह पर ही बने रहते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं और शरीर के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होते। बिनाइन ट्यूमर्स सर्जरी से इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं और शरीर के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। ये तेजी से शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होकर कैंसर को स्प्रेड कर सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी सर्जरी से रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान से समझो। सपोज करो ये कोई
पर्सन है एक्स। इस पर्सन की बॉडी में थोरोली सेल्स प्रेजेंट हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड और ग्रो भी कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिवर में एक सेल ग्रो डिवाइड एंड स्टॉप के बेसिक नियम को अनसुना करके अनकंट्रोलेबल तरीके से हड़कंप मचाना शुरू कर देता है, तो बोला जाएगा कि इसको लिवर में कैंसर हो गया है। अब ऑब्वियस ही बात है कि खतरनाक स्पीड से कैंसर सेल्स की ग्रोथ एक जगह पर होगी तो लिवर में ट्यूमर फॉर्म होने लगेगा। ध्यान दो कि ये कैंसर अभी लिवर के एक हिस्से में ही है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पूरे ही लिवर में फैल जाएगा। तो लिवर के एक हिस्से से शुरू होकर पूरे लिवर में फैलने के इस प्रोसेस को जनरली लोकल स्प्रेड बोल दिया जाता है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब शरीर में मेटास्टेसिस होने लगे। मेटास्टेसिस क्या होता है ध्यान से समझो। लिवर में फैल गया वो ठीक है, लेकिन लिम्फ नोड्स का यूज करके जब कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलना शुरू कर देता है, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये पांच अलग अलग क्लासरूम्स हैं। ये वाला क्लासरूम लिवर है, ये वाला गॉल ब्लैडर है, ये वाला स्टमक है, ये वाला पेनक्रियास है और ये राइट वाली किडनी है। अब इमेजिन करो इन सभी क्लासरूम्स में 10-10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हैं, टाइम पे होमवर्क करते हैं, शैतानी नहीं करते और बेसिकली भसड़ नहीं मचाते। लेकिन ये जो लिवर वाला क्लासरूम है इसमें 10 में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात हरामी पने के शौकीन हैं, पूरे स्कूल टाइम में मस्ती करते हैं और नॉर्मल बच्चों को उंगलियां करते रहते हैं। तो कभी ना कभी इस लिवर क्लासरूम के अंदर ही ये तीनों बच्चे इन बचे हुए 7 बच्चों को अपनी तरह बिगाड़ेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी क्लास इन्फेक्शियस हो जाएगी। ये तो एग्जाम्पल हुआ लोकल स्प्रेड का। अब ये 10 के 10 निकम्मे स्टूडेंट्स रुकने वाले तो है नहीं, ये अपनी बगल वाली क्लास में सेम हरकत करेंगे, गॉल ब्लैडर क्लासरूम के बच्चों को बिगाड़ेंगे, फिर स्टमक को, फिर पेनक्रियास और फिर राइट वाली किडनी को। तो जब ये इन्फेक्शन एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में फैलता है तो इसे मेटास्टेसिस बोल दिया जाता है। ये मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी पेशेंट को ये बताने में कि उसको जो कैंसर डिटेक्ट हुआ है वो किस लेवल का कितना खतरनाक कैंसर है। क्योंकि कभी भी अगर आप ये सुनोगे कि किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो ये बात आपको पक्का पता चलेगी कि कौन सी स्टेज का कैंसर है। स्टेज का पता चलना कैंसर डिटेक्शन प्रोसेस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर किसी को बोल दो कि आपको 4th स्टेज कैंसर है तो आधा तो बंदा वैसे ही मर जाता है, और अगर किसी को बोल दो कि आपको 1st स्टेज कैंसर है तो उसे सुन के ही जीने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब डॉक्टर्स ऐसे हवा में नहीं बोल सकते कि किसी को 1st स्टेज का कैंसर है या किसी को 4th स्टेज का कैंसर है। कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स में एक चीज नहीं बल्कि अलग अलग ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर डॉक्टर्स ये डिसाइड कर पाते हैं कि किसी पेशेंट को डिटेक्ट होने वाला कैंसर कौन से स्टेज का है, और इस सिस्टम को बोला जाता है TNM स्टेजिंग सिस्टम। यहाँ टी का मतलब है कि ट्यूमर का साइज कितना है, यहाँ एन का मतलब है कि ट्यूमर की लिम्फ नोड्स में प्रेजेंस कितनी है, और यहाँ एम का मतलब है कि मेटास्टेसिस किस लेवल का हो चुका है, यानी कि किन किन ऑर्गन्स तक ट्यूमर पहुंच चुका है। इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पर ही डॉक्टर्स प्रिसाइजली डिसाइड कर सकते हैं कि किसी को किस स्टेज का कैंसर है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि TNM स्टेजिंग सिस्टम भी अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग रिजल्ट्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 सेंटीमीटर वाइड ट्यूमर ओरल कैंसर्स में T3 कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में T2 कैलकुलेट किया जाएगा। मोरओवर, पूरी ह्यूमन बॉडी में एक कैंसर टाइप ऐसा है जो शरीर में पाए जाने वाले बाकी सभी कैंसर्स के कंपैरिजन में एकदम अलग है, और जिस कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्लड कैंसर। बाकी कैंसर्स की तरह इस ब्लड कैंसर के मोस्ट केसेस में सॉलिड ट्यूमर्स नहीं बनते बल्कि लिक्विड फॉर्म में ही ये बॉडी के अंदर फैलता जाता है। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में और अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर यही ब्लड सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाएं, पागलों की तरह बिहेव करने लग जाएं, तो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे वो अलग, और शरीर में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी वो अलग, एंड इवेंचुअली दिस डिजीज विल बी कॉल्ड ब्लड कैंसर। अच्छा इमेजिन करो आपकी बॉडी एक बड़ी सी सिटी है। इस सिटी में अलग अलग सिस्टम्स हैं जो मिलकर काम करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चले। तो जो आपकी बॉडी का ब्लड सिस्टम है उसको इस सिटी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मानकर चलो, जिसमें कार्स स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में ट्रेवल करती हैं ताकि सफाई के रूप में अच्छा माल पहुंचा सकें और कचरा माल उठा के ले जा सकें। बस अब कार्स को ब्लड से रिप्लेस कर दो और स्ट्रीट्स को ब्लड वेसल समझ लो, इतने में ही आपका ब्लड कैंसर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सोचो कुछ कार्स अचानक से मेल फंक्शन करने लगे, रूल्स फॉलो करने और गुड्स डिलीवर करने की बजाय ये कार्स आपस में टकराने लग जाएं और ट्रैफिक जैम्स क्रिएट करने लगे। एग्जैक्टली यही होता है ब्लड कैंसर के केस में भी। ब्लड सेल्स यानी कि कार्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती हैं और अपना काम सही से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स अपने शरीर में होने लगती हैं। अब ब्लड कैंसर्स मेनली 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। ल्यूकीमिया टाइप ब्लड कैंसर में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स पागलों की तरह ग्रो करने लगते हैं और इन्फेक्शन से शरीर को नहीं बचा पाते। लिम्फोमा टाइप ब्लड कैंसर में इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम पर असर पड़ता है। लिम्फेटिक सिस्टम में सेल्स पागलों की तरह
ग्रो करने लगते हैं और लिम्फ नोड्स में ट्यूमर्स फॉर्म होने लगते हैं। माइलोमा टाइप ब्लड कैंसर में इंसान के प्लाज्मा सेल्स पर असर पड़ता है जो बोन मैरो में पाए जाते हैं। बोन मैरो को समझने का एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ एग्जांपल ये देखो। But I want to focus on this bone here. This bone is the humerus. And in the middle of the humerus, you're going to see this soft tissue here. This is called yellow bone marrow. This is an energy storage. You're so good at storing energy that you even do it inside of long bones. Bone marrow में पाए जाने वाले ये plasma cells infection से लड़ने के लिए antibodies produce करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को myeloma type blood cancer हो जाए, तो plasma cells cancerous हो जाते हैं और harmful proteins produce करना शुरू कर देते हैं। Blood cancer specifically अपने देश में बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। हर साल 70,000 से ज्यादा लोग अपने देश में blood cancer से खुद की जान गंवा बैठते हैं। और shockingly हर साल 30,000 से ज्यादा बच्चों को अपने देश में blood cancer diagnose होता है। हालत इतनी खराब है कि हर 5 मिनट में इंडिया में किसी न किसी को ब्लड डिसऑर्डर या ब्लड कैंसर डायग्नोस होता ही है। ब्लड कैंसर का एक इजी और पोटेंशियल सॉल्यूशन है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर से मरते हुए व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और DKMS नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रोसेस को आसान बनाने में लगी हुई है। DKMS साल 1991 से लोगों को डोनर्स ढूंढने में हेल्प कर रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, केयरफुली समझो। देखो, ये एक पर्सन है एक्स और ये एक पर्सन है वाई। इन दोनों ही लोगों की सभी बोन्स में नहीं, लेकिन काफी बिगर और फ्लैट बोन्स में बोन मैरो मौजूद होता है। इस बोन मैरो के अंदर ही स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। ये स्टेम सेल्स मास्टर बिल्डर्स माने जाते हैं। इनके पास ब्लूप्रिंट होता है और अपने शरीर में यही रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स एक्सेट्रा बनाते हैं। जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है उसके स्टेम सेल्स में यानी कि मास्टर बिल्डर्स में ही खराबी आ जाती है। तो उस इंसान को इस ब्लड कैंसर से बचाने का एक बहुत ही सही तरीका ये है कि किसी हेल्दी बंदे के स्टेम सेल से पेशेंट के अनहेल्दी या कैंसरस सेल्स को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस एक्स पर्सन यानी कि कैंसर पेशेंट के टिश्यू टाइप या HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इस वाई पर्सन से यानी कि डोनर से कम्प्लीटली मैच होना चाहिए, वरना ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा और कैंसर पेशेंट नहीं बच पाएगा। अब जैसे हर किसी का अपना एक ब्लड ग्रुप होता है, वैसे ही हर किसी का अपना एक HLA टाइप भी होता है जो आपकी स्टेम सेल कैटेगरी और बाकी चीजें बताता है। इस एक्स पर्सन और वाई पर्सन की HLA टाइपिंग मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना स्टेम सेल ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा। टोटल 141 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाले इस देश में सिर्फ 7 लाख लोगों को ही अपनी HLA टाइपिंग पता है। ऊपर से एक ऐसा डोनर ढूंढने के चांसेस जिसका ग्रुप आपसे 100% मैच करे वो 1 in a million है। यहाँ तक आपको भी साफ साफ दिख ही रहा होगा कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये कि हमारे पास डोनर्स का डेटाबेस ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, या यूं कह लो कि हमको ज्यादा से ज्यादा डोनर्स की HLA टाइपिंग पता हो ताकि टाइम आने पर मैचिंग करके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जा सके। एकदम फ्री में आप अपने स्पिट का सैंपल देकर यानी कि थूक का सैंपल देकर आप भी स्टेम सेल डोनर बन सकते हो। स्टेप 1, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करो। ध्यान रखना, रजिस्टर करने के लिए एलिजिबिलिटी फैक्टर्स हैं और अगर आपको इनमें से कोई बीमारियां हैं तो आप डोनर नहीं बन सकते। स्टेप 2, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पर आपको एक किट घर पर भेजी जाएगी। उस किट को ओपन करके इंस्ट्रक्शंस को रीड करके अपने स्वैब सैंपल्स वापस भेज देने हैं। स्टेप 3, आपके सैंपल्स इनकी लेबोरेटरी में चेक होंगे, आपको अपना HLA टाइप पता चल जाएगा और इसकी हेल्प से अगर देश में किसी को ब्लड कैंसर हुआ है और उसका टाइप और आपका टाइप मैच हो गया और उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो पाएगा, आप उसकी जिंदगी बचा पाओगे। एज आई सेड, कैंसर किसी को भी हो सकता है और ये मेजरली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल चॉइसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स तो वो हो गया जैसे DNA रेप्लिकेशन या म्यूटेशन के टाइम नेचुरली कोई मिस्टेक हो जाए, या यूं कह लो कि किस्मत से होने वाला कैंसर आपकी किस्मत में ही लिखा था तो हो गया। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि खानदानी या विरासत में मिलने वाले जीन्स से भी कैंसर हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि रेडिएशन, हार्मफुल केमिकल्स और पॉल्यूशन से भी कैंसर हो सकता है। रेडिएशन से कैंसर कैसे हो सकता है, इसका एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। जो सनलाइट हमारी बॉडी रिसीव करती है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट। अब विजिबल लाइट तो सनलाइट का वो वाला पार्ट हो गया जिसकी वजह से हम सारी चीजें देख पाते हैं और जिसकी वजह से इस दुनिया में हमको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रारेड लाइट सनलाइट का वो पार्ट हो गया जो हम देख नहीं सकते लेकिन हीट यानी कि गर्मी के रूप में फील कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा पार्ट है यूवी लाइट, इसके 3 हिस्से होते हैं, UVA, UVB और UVC, जिसमें से UVC तो मेनली अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हम तक पहुंच ही नहीं पाती, और UVA और UVB स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज कर सकते हैं और सनबर्न का रीजन बनकर स्किन कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। इसलिए जनरली एडवाइस किया जाता है कि खतरनाक गर्मियों में 10 बजे से 4 बजे के बीच पड़ने वाली धूप के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से बचा जाए और टाइम टू टाइम सनस्क्रीन यूज की जाए। अब जो 4 फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए उसमें से ये 3 फैक्टर्स तो फिर भी लाइक
सो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल चॉइस इज द बिगेस्ट फैक्टर जो कैंसर केसेस में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड दिस इज द वन वी सीरियसली नीड टू टॉक अबाउट। ऑलमोस्ट सभी कैंसर डॉक्टर्स लोगों को चार चीजों के लिए बार बार मना करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट और बैड स्लीप पैटर्न्स। बहुत बार लाइफ स्टाइल चॉइसेस को मद्देनजर रखते हुए कंपैरिजन भी किया जाता है एथलीट्स की लाइफ स्टाइल वर्सेज रैंडम पीपल्स लाइफ स्टाइल का। अभी 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ, मैंने सब तरह के पेशेंट्स के ऑपरेशन किए जी, यानी राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, की पॉलिटिशियंस के किए, मिलियनेयर्स के किए हैं, बैंकर्स के किए हैं, बहुत कम एथलीट्स के किए। अब अगर कंपैरिजन हो ही रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सबसे कचरा जिंदगी वालों की बात ना की जाए, क्योंकि तुम लोग जिसको हीरो मान रहे हो वो एक्चुअली कैंसर और टोबैको बेचने में लगे पड़े हैं। स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, एक युवराज सिंह छोड़ के आपको कितने क्रिकेटर्स को कैंसर हुआ है मालूम है, बताओ मेरे को। और वही आप एक्टर्स के बारे में देखो, कितने एक्टर्स है जिनको हो रहा है। लाइफस्टाइल देखो, स्पोर्ट्समैन का लाइफस्टाइल देखो और हॉलीवुड बॉलीवुड का लाइफस्टाइल देखो, खुद नशे में धुत पड़े रहते हैं और आने वाली जनरेशन को भी ये कचरा परोस रहे हैं। इन शॉर्ट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और अनहेल्दी डाइट जितनी रिड्यूस हो सके उतनी बेटर, और 8 घंटों तक डीप स्लीप जितनी ज्यादा इंक्रीज हो सके उतनी बेटर। जैसे जैसे टाइम के साथ साइंस, टेक और मेडिसिन एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मोर्टेलिटी रेट में भी फर्क आया है। इस डिफरेंस को अच्छे से नोट करना कि कैंसर कितने लोगों को डिटेक्ट हो रहा है वो कम नहीं हुआ है, कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं ये जरूर कम हुआ है। और कैंसर का सही टाइम पर डिटेक्ट या डायग्नोज होना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट आपको कैंसर होने के बाद आप जिंदा बच पाओगे या नहीं, ये हद से ज्यादा इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। डॉक्टर्स आज भी यही मानते हैं, अर्ली डिटेक्शन इज द मेजर क्योर। कैंसर कौन से स्टेज पर है इससे डिसाइड होता है कि उसका पॉसिबल समाधान क्या होगा, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज कैंसर है जैसे स्टेज 1 या फिर प्रोबेबली स्टेज 2, तो सर्जरी से कैंसरस ट्यूमर्स को रिमूव करना कुछ हद तक पॉसिबल होता है। इसका मतलब सर्जरी कैंसर का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर लेटर स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो लोगों का आखिरी सहारा बचता है कीमोथेरेपी। ये पता कैसे लगा कि कीमोथेरेपी से कैंसर क्योर हो सकता है? बहुत वियर्ड स्टोरी है, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मस्टर्ड गैस को एक केमिकल वेपन के रूप में यूज किया गया था। जब सोल्जर्स इस गैस के कॉन्टेक्ट में आए तो इंस्टेंटली डेथ होने लगी। इस मस्टर्ड गैस से सोल्जर्स की आंखें जलती थी, सांस नहीं ले पाते थे, स्किन पर ब्लिस्टर्स हो जाते थे और फाइनली डेथ हो जाती थी। बाद में डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि ये मस्टर्ड गैस बोन मैरो को खतरनाक तरीके से डैमेज करती है और उसकी ब्लड सेल्स बनाने की एबिलिटी को खत्म कर देती है। वहां से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को ये आइडिया आया कि बोन मैरो और कैंसर सेल्स की एक कॉमन हरकत है, दोनों ही रैपिडली रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि तेजी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसलिए रिसर्चर्स ने सोचा क्यों ना मस्टर्ड गैस के कंपाउंड्स को कैंसर सेल्स पर भी यूज किया जाए। उन्होंने यूज किया भी और जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो मिले भी। सो बेसिकली कीमोथेरेपी आपके रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को मार देती है। यही रीजन है कि जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है उनके बाल उड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, भूख कम लगती है, उल्टियां होती हैं और शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, क्योंकि हेयर सेल्स और माउथ की लाइनिंग बहुत फास्ट ग्रोइंग सेल्स से बनते हैं। कीमो से जब फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल्स मरते हैं तो बॉडी के अदर फास्ट ग्रोइंग सेल्स पे भी असर पड़ता है। बट देयर इज अ क्वेश्चन, कैंसर हो गया, शरीर की वॉट लग गई, अंदर भसड़ मची पड़ी है, लेकिन अपना इम्यून सिस्टम कहाँ है? वो क्या कर रहा है? वो अभी तक कैसे एक्टिवेट नहीं हुआ? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, उसने कैंसर सेल्स को मारने का ट्राई भी किया था, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया कि कैंसर सेल्स हमारे लिए डेंजरस हैं भी या नहीं। असल में कैंसर सेल्स और कुछ नहीं, अपने नॉर्मल सेल्स का बस एक चेंज्ड वर्जन ही होते हैं। चूंकि वो बॉडी के अपने टिश्यूज से ही आते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स का सिनेरियो एकदम नॉर्मल लग सकता है। इसके अलावा कैंसर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ कुछ केसेस में इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से ज्यादा फास्ट भी हो सकते हैं। Thus, spreading cancer faster in the body. Scientists ने कुछ latest trend भी पिछले कुछ सालों में notice किए हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। Young लोगों में colorectal cancer के cases काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि directly third या fourth stage में ही पता चल रहा है कि किस बंदे को colorectal cancer है। Colorectal cancer का मतलब ऐसा cancer जो आपके large intestine या rectum में spread होता। In short, पिछले कुछ सालों में फास्ट फूड की तरफ इंक्लिनेशन जो दुनिया का बढ़ा है वो इंस्टेंटली तो कुछ भी असर नहीं दिखा था, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर एक ऐसा कैंसर लोगों में फैल रहा है जो सीधा थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही डिटेक्ट हो। साइंटिस्ट ऐसा भी क्लेम करते हैं कि जो लोग नॉर्मल डिलीवरी से पैदा नहीं होते, या यूं कह लो कि सी सेक्शन से पैदा होते हैं, यानी कि ऑपरेशन से पैदा होते हैं, उनको कैंसर होने का रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्थ कैनाल में मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरिया का एक्सपोजर नहीं मिल पाता। जो लोग नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं उनको ये बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में मदद करते हैं।
करते हैं। साइंटिस्ट ऐसा भी क्लेम करते हैं कि आजकल की मॉडर्न महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग को स्किप करती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, दस रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस। साइंटिस्ट ऐसा भी क्लेम करते हैं कि जिन लोगों की हाइट ज्यादा होती है उनमें कैंसर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में ज्यादा सेल्स होते हैं, जितने ज्यादा सेल्स उतने ज्यादा म्यूटेशंस के चांसेस होंगे जो कैंसर होने का रीजन बन सकते हैं। स्टिल इन सभी चेंजेस में से लाइफस्टाइल चेंजेस का फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंसर कॉजिंग फैक्टर माना जाता है। कैंसर से होने वाली मौत इसलिए भी भयानक मानी जाती है क्योंकि आखिरी 7 दिनों में भी आपका ब्रेन सही स्थिति में और अवेयर होता है। आप सब कुछ नोटिस कर पाते हो कि कैसे आपका शरीर धीरे धीरे सड़ के मर रहा है। स्मोकिंग, एल्कोहल, अनहेल्दी डाइट और स्लीप को बैलेंस करके अगर हम काफी हद तक कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं तो सड़ के मरना क्यों है। अगेन, आपका एक स्टेप कैंसर पेशेंट्स की जिंदगी बचा सकता है। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।